तुम लोग मुझसे कोई चीज डिमांड करो और मैं ना लेके आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। वन हैंडेड कीबोर्ड की बहुत ज्यादा तुम डिमांड कर रहे थे, तो मेरे को अमेजोन पे बजट में 2100 रुपए में एक यही कीबोर्ड मिला था। एक्चुअली यहाँ पे इसका G92 लिखा है, बट अमेजोन पे ब्लू फिंगर ब्लड बैट करके इसका मॉडल था। तो आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका पूरा रिव्यू चेक करेंगे कैसी परफॉर्मेंस देता है। पीसी से तो कनेक्ट करेंगे करेंगे, स्मार्टफोन से भी कनेक्ट करेंगे, कंसोल से भी कनेक्ट करेंगे और पूरा एक्सपीरियंस लेंगे, पूरा अंत तक एक्सपीरियंस लेंगे, इसका मतलब पूरे पैसे वसूल ले जाएंगे। तो कुछ ऐसा बॉक्स आएगा जब आप ऑर्डर करोगे, ऊपर G92 लिखा है और बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा यहाँ पे क्या लिखा है। और एक सिंगल हैंडेडली गेमिंग कीबोर्ड, और यहाँ पे भी कुछ सेम ऐसे लिखा है, और पीछे भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भाषा है ना चाइनीज में लिखी गई है पूरी की पूरी। तो खोल लिया जाए फिर फटाफट। एक कुछ ऐसी पैकिंग में निकलता है आपका कीबोर्ड और एक इसकी यूजर मैनुअल जो चाइनीज और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बट कीबोर्ड के केस में हम क्यों पढ़ेंगे, यूजर मैनुअल हमारे को पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, सीधा प्लग एंड प्ले वाला मामला है। कुछ ऐसा कीबोर्ड इसके अंदर से निकला है, यहाँ पे ब्लड कैट लिखा हुआ है। इसके अंदर टोटल 35 कीज है और जो वायर है वो भी काफी एवरेज क्वालिटी की वायर है, ब्रेडेड नहीं है बट थिकनेस ठीक ठाक है, मतलब चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी कीबोर्ड की क्वालिटी भी एवरेज है, कोई ऐसी कोई बढ़िया सी हैवी क्वालिटी नहीं है, बेकार भी नहीं कह सकते, ठीक ठीक है, प्लास्टिक भी ठीक ठाक क्वालिटी का है। और ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मैकेनिकल नहीं है। खैर 2100 रुपए में आपको अगर वन हैंडेड कीबोर्ड लेना है तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन आएगा, क्योंकि वन हैंडेड कीबोर्ड थोड़े से महंगे होते हैं फुल साइज से। पता नहीं ऐसा क्यों है, मतलब देखा जाए तो बटन्स तो कम है ना, बट फिर भी महंगे क्यों, जवाब चाहिए इंडिया की जनता को। तो कर लिया जाए पीसी से कनेक्ट और देखते हैं कैसी इसकी लाइट्स हैं और थोड़े बहुत गेम वगैरह भी खेल के देख लेते हैं। इन छुटकू भाई साहब को लगाने के लिए पहले ये हटाना पड़ेगा टेबल से। तो गाइस ये हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है और इसकी आरजीबी देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। इसमें साइकिल इफेक्ट चल रहा है, इसके बाद बाकी से इफेक्ट वगैरह चेंज करके देख लेते हैं। अब ये कुछ डिफरेंट टाइप का इफेक्ट हो गया, तो FN की और F4 की को दबा के इसके इफेक्ट चेंज होते हैं। इसके अंदर दो ही तरीके के इफेक्ट हैं, एक आप ये साइकिल इफेक्ट देख सकते हो और एक थोड़ा ये साइकिल में चल रहा है बट थोड़ा स्टटर होकर चल रहा है, एक दो इफेक्ट है बस इसके अंदर। और बाकी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए फंक्शन की प्लस F5 दबा के आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइट साइकिल के साथ साथ सिंगल लाइट्स भी इसके अंदर कर सकते हैं कि स्टैटिक लाइट्स हो जाए कोई कोई कलर की, ये भी बहुत सही चीज लग रही है यार। तो थोड़ी बहुत गेमिंग कर ली जाए। भाई जितना मैंने भी वैलोरेंट खेला अपने पीसी पे, इसका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत सही है और ये इतना छोटा सा इतना बढ़िया है ना, थोड़ी सी जगह लेता है, कीबोर्ड और माउस जस्ट अगल बगल में रख के आप गेम खेल सकते हो, ऐसा नहीं कि दूर दूर हाथ रखने पड़ेंगे और तब गेमिंग करनी पड़ेगी। तो अब कर लेते हैं स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट, और स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो मैं बता दूंगा। और कनेक्ट करने के लिए पांडा माउस प्रो करके ऐप चाहिए होती है आपको, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर लेना, इसी से ही चल पाएगा। तो करते हैं अब गेमिंग शुरू, COD मोबाइल खेलेंगे थोड़ा सा। सो गाइस आप देख सकते हो हमने सारा कुछ कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के लिए मैंने यूज किया टाइप सी अडाप्टर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सस्ते वाले का भी महंगे वाले का भी जो आपको मंगाना हो। और ये मैं एक्चुअली अपने OnePlus 7 Pro में यूज कर रहा हूँ, तो एक अच्छा टाइप सी कनेक्टर यूज करना क्योंकि आप साथ में एक हब यूज करने वाले हो और ये USB 3.0 वाली हब है, तो उसके लिए एक अच्छा टाइप सी कनेक्टर लोगे तभी सपोर्ट करेगी, क्योंकि दो दो चीजें आपको चलानी है अपने स्मार्टफोन के साथ, तो बीच में डिस्कनेक्ट ना हो जाए इस चीज का ध्यान रखना। सो गाइस आप ये देख सकते हो मेरा कर्सर चलना शुरू हो चुका है गेम के अंदर, और जो पांडा वाली ऐप की जो सेटिंग्स है ना वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है कैसे करनी है। अब हम अपना मैच शुरू कर लेते हैं, TDM खेल लेते हैं छोटा सा यार। एक तो फोन के साथ इतना सेट बैठ रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा फोन और बिल्कुल इतनी सी जगह में आप पूरा सेटलमेंट बिठा सकते हो अपनी टेबल पे, और बहुत बढ़िया लग रहा है इसके साथ एक्सपीरियंस ना अभी तक। तो अब गेम खेल के देखते हैं। ओहो चल चुकी है ये, आप देख सकते हो गेम बहुत सही तरीके से। एक्चुअली जितने बटन आपको चाहिए होते हैं ना वो सारे हैं इस कीबोर्ड के अंदर, मतलब 35 कीज में आपके सारे गेम चल जाते हैं। बंदे लपेट दिए भाई साहब। अब जब इतनी मेहनत हो ही गई है तो कंसोल में भी एक बार ट्राई कर लिया जाए कि कंसोल पे कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है। और कंसोल में एक्चुअली कीबोर्ड माउस का सीन क्या होता है, फिर चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, बहुत लिमिटेड गेम्स पे सपोर्ट करते हैं कीबोर्ड माउस। तो वॉरजोन है मेरे कंसोल पे, तो चेक करते हैं एक बार खेल के थोड़ा सा कि एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है अपने USB हब के थ्रू, जो USB अपने स्मार्टफोन पे यूज करती है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। तो
गाइस के जो मेन की हाइलाइट्स है इस कीबोर्ड की वो है इसकी आरजीबी और एक इसका रेस्ट रेस्ट। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो चलो सो सो है, कोई बात नहीं, बट जिस प्राइस रेंज में आता उससे आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस था वो भाई बहुत बढ़िया था, रिस्ट रेस्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। तो अगर पर्सनली अब मैं कोई भी ई-स्पोर्ट्स गेमिंग करूंगा तो मैं यही यूज करने वाला हूं, और लैपटॉप यूजर्स के लिए तो काफी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि गेमिंग के लिए आप इसको रखो, अगर बीच में छोटा मोटा कोई काम आ जाता है गेमिंग करते करते, आपको नॉर्मल टाइपिंग करनी है, कुछ सर्च करना पड़ गया ऑनलाइन, तो आप अपना लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर सकते हो साइड बाय साइड, और एकदम से आप फिर आप गेमिंग करनी हो तो इसको यूज कर लो। और ऐसा नहीं है पीसी वाले नहीं कर सकते, तो आप दो कीबोर्ड लगा के रखो कि एक अगर आपको मेन काम करना पड़े इंस्टेंटली तो आप मेन कीबोर्ड से करो। और भाई गेमिंग के लिए ये यूज करके देखो, मैं बता रहा हूं अगर इस पे गेमिंग करके देख लिया आप मेन कीबोर्ड्स भूल जाओगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, लाइक मार देना, पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके भी और कोई रिकमेंडेड मॉडल्स होंगे जो मुझे सही लगेंगे उसके भी मैं लिंक्स डाल दूंगा, परचेज करना तो उस लिंक से परचेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।